तो सारे इंडियन ही है। तो आज की डेट में यही कर रहे हैं कि हाँ एक बंदा यहाँ पे है, बेटे को वहाँ सेटल कर दिया या ब्रदर को वहाँ सेटल कर दिया या कोई रिश्तेदार और भी है, कज़न वगैरह, आपस में पूरी एक ही फर्म बना दी, अपनी ही फर्म को दिए जा रहे हैं। यहाँ से मैं सपोज़ करो रेट टू रेट देता हूँ, इंसेंटिव तो मुझे सरकार दे देगी, वहाँ पे टैक्सेस है ही नहीं एक तरीके से, तो वहाँ पे ऑलरेडी जितना भी पैसा मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं वहाँ से इम्पोर्ट कराता हूँ तो या कस्टम ड्यूटी दूंगा, अदर टैक्सेस दूंगा। तो इसीलिए ये चेन ऐसे बनती जा रही है आपके। और जैसा कि दुबई में अगर ऑफिस डालते हो तो वहाँ से सारा का सारा अफ्रीका आपका टारगेट हो जाता है मैक्सिमम। दुबई का रीज़न ही इसलिए, देख दुबई कोई मैं ये नहीं कहूँगा कुछ भी नहीं था ना यार दुबई में, वो तो अब बन रहा है बिजनेस हब और आने वाले 5-10 साल अच्छा काम आएगा। लेकिन हाँ ये बात उनसे जो मेरी बात हुई कि सर दुबई में लोग उधार मांगते हैं उधार मांगते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उधार दो, बिल्कुल नहीं। LC है काम करो, नहीं है तो ऐसे ज़बरदस्ती किसी को है ना, मैं देख यार गिर के काम नहीं होता, मैं एक चीज़ मांगता हूँ, व्यापार कर रहे हो गिर के मत करो, बेकार में कल को एक झटका लग जाए तो सारी की सारी कैपिटल उड़ जाएगी। इट्स बेटर अगर आपको लगता है काम कर रहे हो और आपके पास फंड अच्छा है, 5-7 लाख एक्स्ट्रा खर्च के एक अपना ऑफिस ही डाल लो ना, बात खत्म हो गई, आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने या किसी के आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने ही ऑफिस में माल भेजो डायरेक्ट मार्केट में उतारो, सिंपल है और 100% प्रॉफिट है इसके अंदर, कोई लॉस का चांस ही नहीं है। मार्केट रेट आपको वहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा। अगर मार्केट रेट दुबई में उछलता है, सपोज करो प्याज का रेट दुबई में 20 से 60 हो गया, यहाँ 20 में मिल रहा है, उठा के अपनी कंपनी में ही तो देना है बस। हाँ जब बैलेंस हो गया अगर रेट तो उस समय दूसरी कमोडिटी में आ जाओ। यही चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। जो रेट का अप एंड डाउन होता ना, आप ये सारे जानते हो ना कि मंडी में रोज़ का रेट अप एंड डाउन होता है, तो जहाँ पे इनको गैप दिखता है ना वो वहाँ कवर कर जाते हैं। स्टॉक मार्केट में इसको आर्बिट्राज भी बोलते हैं। आर्बिट्राज क्या होता था स्टॉक मार्केट में, हमारे पास NSE है, BSE है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है। NSE और BSE में आप कभी भी अगर कोई भी शेयर उठा लो, सपोज़ करो मैंने एक टाटा का TCS का शेयर उठाया और TCS का शेयर्स यानी BSE में, दोनों का सामने कभी भी गूगल पे चेक कर लेना या लाइव ट्रेडिंग चल रही होगी कर लेना, 1 या 2 रुपये का फ़र्क चल रहा होगा। तो लोग पता है क्या करते हैं, 1000 शेयर यहाँ से उठाए 1000 वहाँ बेच दिए। अगर मेरे पास डिलीवरी है तो मैं ये काम कर सकता हूँ ना, तो वो 2 रुपये का गैप मेरा 2000 का हो गया, मैंने डिलीवरी छोड़ दी और गलती से अगर कोई मूव आई और वो ये बढ़ गया और ये कम हो गया तो 1000 शेयर वापस कवर कर लिए और यहाँ कवर कर लिए, दोनों जगह पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, 4000 रुपये आ गए, काम खत्म। ये एक नया ट्रेड बता रहा हूँ आपको जो अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट को अब दुबई में अप्लाई कर दिया गया कि हाँ गैप जहाँ मिल रहा है। अब देखो अगर शेयर्स की बात करूँ, गैप मिला मैंने यहाँ से परचेज किया, गैप मिला मैंने यहाँ से अनियन परचेज किया और दूसरे उसमें बेच दिया, दूसरे इसमें अगर मुझे वहाँ गैप मिल रहा तो मैं वहाँ से उठा के यहाँ बेच दूंगा, तो अल्टीमेटली आना तो मेरी पॉकेट में ही है, इसमें लॉस के चांसेस नहीं है। आर्बिट्राज एक ऐसी गेम है जिसमें कभी लॉस नहीं होता, कारण उसके लिए चाहिए होते डिलीवरी के लिए पैसे। आपके पास 2 कंटेनर की क्षमता, आप 2 कंटेनर में काम करो, इधर से उठा के वो बेच दोगे, आपके पास पैसे आ गए, आपको किसी का उधार नहीं देना, किसी से उधार नहीं लेना। और ये आलू प्याज ये जितनी भी मिर्च वगैरह इसमें कैश पेमेंट है, इसमें कोई उधार नहीं। अभी जब हम कोल्ड स्टोरेज गए थे वो कह रहा था ना देखो जी 80 का आया है 160 में बिकेगा, और लोग कहते हैं कि यार मार्जिन्स नहीं है, खड़े खड़े मंडी के अंदर 100% मार्जिन मिल रहा है। और आप लोग यार वही है, फ़र्क ये है कि कोई नहीं चाहता कि अपने ट्रेड के सीक्रेट्स मार्केट में लेके आना, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपनी जगह एक पार्ट पे सही भी है कि मार्केट में कंपटीशन उतरेगा। हम ये सोचते हैं इंपोर्ट नहीं हो रहा, अभी हम कोल्ड स्टोरेज गए थे सारा इंपोर्ट का माल भरा हुआ था ना भैया, अगला बंदा कमाई कर रहा तभी तो भरा हुआ है ना, सीधी सी बात है। तो पहली चीज़ डोंट गेट इमोशनल डिसीजन व्यापार में नहीं चलते, जहाँ पैसा दिखता है जहाँ पर आपका चाबी घूमती है वहाँ घुमा दो, चाबी ऐसे भी घूमेगी बस। चले कहाँ चलोगे?
We'll be right back.